एवरीवन, देखिए अब एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। देखो ये एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। देखो इसमें जैसे मान लो आपके पास ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, और आपको ये कहा हुआ है कि एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल सी से। मतलब आपको गिवन है एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल सी से, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो जो एंगल लार्जर है उसके अपोजिट वाली साइड भी लार्जर होगी, समझ रहे हो? मतलब एंगल बी के अपोजिट कौन सी साइड है? ए सी, तो ये भी लार्जर होगी। एंगल सी जो है छोटा, उसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? ए बी। तो यानी कि ए सी बड़ी होगी ए बी से। और आप यहाँ पर लिखोगे क्या इसके लिए? यहाँ लिखोगे आप साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर या लार्जर, समझ रहे हो बात? ठीक है, अब इसका अपोजिट भी हो सकता है क्या? अगर इसमें आपको ये कहा हो कि ए बी, या हम इस तरीके से बोल रहे हैं, इसमें ए सी जो है ये ग्रेटर है ए बी से। अगर ये चीज़ गिवन है आपको, ए सी जो है वो ग्रेटर है ए बी से, तो इसका मतलब क्या होगा? इनके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? लार्जर होगा, मतलब या ग्रेटर होगा। कैसे? ए सी जो है ये लार्जर है, ठीक है ना? अब ए सी लार्जर है तो इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल बी इज ग्रेटर, और ए बी छोटी साइड है तो इसके अपोजिट वाला ये एंगल छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लाइन? हम यहाँ लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू लॉन्गर साइड इज ग्रेटर, ये लाइन यहाँ पर लिखेंगे। बताओ इतनी बात समझ में आई है? ये दोनों आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। देखो क्वेश्चन को, देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखनी है इस पूरी एक्सरसाइज के लिए, क्लियर? अब देखो क्या है, शो दैट इन राइट एंगल ट्रेंगल द हाइपोटनिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। क्या प्रूफ करना है आपको इसमें? मतलब कि ये जो हाइपोटनिस होगी राइट एंगल ट्रेंगल में, वो सबसे बड़ी साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो देखो कैसे प्रूफ करेंगे हम इसमें। देखो सबसे पहले तो एक ट्रेंगल बनाओ इसमें, ठीक है? राइट एंगल ट्रेंगल बनाना है। ये देखो हमने एक राइट एंगल ट्रेंगल बना दिया ये, ठीक है? ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें देखो गिवन में हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ए बी सी हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है? तो टू प्रूव क्या करना है हमें इसमें, देखो, और इसमें ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पर लिख लेना जो एंगल है हमारा 90 डिग्री वो किस पे है? बी पे है, ठीक है? तो हम लिख देते हैं एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है? तो ये हमारे पास एंगल जो बी है ये कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है? तो टू प्रूव की अगर हम बात करें तो इसमें हमें वो बोल रहा है कि हाइपोटनिस जो है वो सबसे बड़ी साइड आपको बतानी है। तो ये हाइपोटनिस है, देखो एंगल जो है 90 डिग्री, मतलब 90 के सामने वाली हाइपोटनिस होती है। तो आपको ये प्रूव करनी है कि ए सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड किससे है? ए बी से भी बड़ी है और वो बी सी से भी बड़ी है। तो हम देखो यहाँ पर लिखते हैं क्या है कि टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना है कि जो ए सी है ये ग्रेटर है किससे? ए बी से भी, और ए सी ग्रेटर है किससे? बी सी से भी। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है? तो अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम। देखो प्रूफ में चलते हैं। देखो सबसे पहले आपने ड्रॉ कर लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है? तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ जरा इसमें। तो क्या लिखेंगे हम? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तो यहाँ लगा देते हैं हम, ये लिख देते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, क्लियर? ये बात लिख दोगे। अब देखो एंगल बी आपको पता है कितना है? 90 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस में एंगल बी की वैल्यू रख देते हैं 90 डिग्री, ये एंगल सी और ये रहा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस में एंगल सी कितना आ जाएगा? 180 माइनस में 90 डिग्री, ठीक है? तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ गया आपके पास? 90 डिग्री आ गया। देखो अब आपको खुद सोचो एक बात कि 90 डिग्री है एंगल ए और सी। देखो एंगल ए और एंगल सी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब एंगल ए इंडिविजुअल जो है वो 90 डिग्री से कम होगा और एंगल सी भी 90 डिग्री से कम होगा। जैसे मान लो ये 60 का है, ये 30 का है, ठीक है? कुछ भी नंबर होगा आपका, ठीक है? वो 90 से तो लेस ही होगा ना, तभी उन दोनों का सम हम बोल सकते हैं कि 90 है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है? तो हम यहां लिख सकते हैं ये लाइन कि हेंस ए एंड सी बोथ आर लेस देन 90 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यानी कि अब ये जो बी है,
ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला जो 90 डिग्री है ये ए से भी ज़्यादा है और सी से भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ए और सी 90 से कम है, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है बात, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री है, तो वो भी ज़्यादा, ए भी 90 से लेस है और सी भी 90 से लेस है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, क्योंकि एंगल बी हमारा कितना है, 90 डिग्री है, तो हम इसमें लिख सकते हैं ये लाइन, देखो क्या कि एंगल जो बी है वो ग्रेटर है एंगल ए से, ये हमें पता चल रहा है। अब एंगल बी अगर ग्रेटर है एंगल ए से, तो देखो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, तो यानी कि ए सी बड़ी होगी किससे, एंगल ए के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी से। और यहाँ लिखोगे क्या लाइन, वही लाइन लिखोगे, देखो जरा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल, ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। कितनी बात समझ में आ रही है या नहीं बताओ, दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप इसको इस तरीके से भी लिखोगे, अब एंगल बी जो है वो ग्रेटर है एंगल सी से भी, क्योंकि ए से भी बड़ा है एंगल बी और सी से भी बड़ा है, ठीक है। तो ये लिखोगे लाइन, और अगर अब एंगल बी बड़ा एंगल सी से, अब देखो जरा यहाँ से, एंगल बी के अपोजिट वाली साइड ए सी और सी के अपोजिट वाली साइड ए बी, तो इसका मतलब अब यहाँ से आप क्या लिखोगे कि ए सी जो है, ऑब्वियस बात है एंगल बी बड़ा है तो उसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी। ए सी क्या होगी, अब बड़ी होगी एज कंपेयर टू जो सी के सामने, सी के सामने कौन सी है साइड, ए बी है। और यहां भी यही बात लिखोगे, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। समझ रहे हो बात को, बताओ। तो इसका मतलब यहां से आपको ये चीज पता चल रही है अब कि ए सी जो है वो बी सी से भी बड़ी है और ए सी ए बी से भी बड़ी है। ये देख लो, ए सी जो लाइन है वो ए बी से भी बड़ी है और बी सी से भी बड़ी है, यही हमें प्रूफ करना था। समझो इसका मतलब ये क्या है, ए सी हाइपोटनिस थी हमारी, तो यानी कि हाइपोटनिस क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। तो यहाँ लिख सकते हो आप, हेंस, दिख रहा है, यहाँ लिख दो, हेंस हाइपोटनिस इज लॉन्गर साइड, क्लियर, एंड हेंस प्रूव्ड। बताओ आया समझ में क्वेश्चन, तो है बड़े सिंपल सी क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टीज याद रखना जो ये मैंने आपको बताई, कि अगर एंगल ग्रेटर दिए हुए हैं तो उनके अपोजिट वाली साइड्स आप बता सकते हो कौन सी ग्रेटर है, ठीक है। और अगर साइड्स बताई हुई है कौन सी ग्रेटर है, तो उसके अपोजिट वाला एंगल आप बता सकते हो कि कौन सा ग्रेटर है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कर लोगे ये क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके जी, थैंक यू।